प्यारे बच्चों एग्जांपल नंबर 6 देख लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट का। इसमें हमसे क्या कह रहा है, जरा ध्यान देते हैं, जल्दी से करते हैं इसको। हमसे कह रहा है इफ द इफेक्टिव वैल्यू, देखो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि सारे के सारे न्यूमेरिकल जितने भी हैं अल्टरनेट करंट के, ये स्कोरिंग है। स्कोरिंग इसलिए क्योंकि फॉर्मूला आपको अगर याद है तो आप इजीली सॉल्व कर दोगे, फॉर्मूला बेस्ड है सारे के सारे। देखो मैं देखो इसको फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। करने क्या है, सारा का सारा फॉर्मूला ही है, उसी का खेल है, और वो भी टफ नहीं है, ईजी है। कैसे, इफ द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन 50 हर्ट्ज एसी सर्किट इज 5 एम्पियर। तो यहां पर देखेंगे कि गिवन दैट में आपको क्या क्या दे रखा है, सब कुछ दिया हुआ है आपको। हमसे कह रहा है कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, करंट की इफेक्टिव वैल्यू को आप आई आरएमएस कहते हो, जिसको आई इफेक्टिव भी कहते हो, कितनी है 5 एम्पियर, ठीक है, ये दे रखी है। और सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 50 हर्ट्ज, दो चीज आपको दे दी। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट, करंट की पीक वैल्यू मतलब आई नॉट पूछ रहा है। दूसरे वाले पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, मीन वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल, तो आपसे मीन पूछा है हाफ साइकिल के लिए, ठीक है, यहां को लिख देते हैं फॉर हाफ साइकिल, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है थर्ड पार्ट में, द वैल्यू ऑफ करंट एट टी इज इक्वल टू 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वॉज जीरो। तो इसका मतलब टी आपको दिया हुआ है 1/300 सेकेंड पर, और यहां पर आपको करंट की वैल्यू को बताना है। सब हो जाएगा धीरे धीरे। कैसे हो जाएगा, सॉल्यूशन तो आपने लिख ही दिया है, सॉल्व करने के लिए जाते हैं। कैसा होगा, हमसे पूछा है पहले वाले पार्ट में कि करंट की पीक वैल्यू को बताओ, जबकि आई आर एम एस आपको दिया हुआ है। तो करंट की पीक वैल्यू को कैसे निकालोगे, आपको पता है आई आर एम एस जो होता है ये होता है आई नॉट अपॉन रूट टू, जहां पर आई नॉट जो है ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है। जब आप आई नॉट को सॉल्व करते हैं तो रूट टू जो है मल्टीप्लाई में चला जाता है आई आर एम एस के, ठीक है, पहुंच गया। आपको आई नॉट निकालना है, रूट टू की वैल्यू होती है 1.414 और आई आर एम एस आपको दिया हुआ है 5 एम्पियर। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने में 14×5=70 7.07 एम्पियर, ये इसकी वैल्यू निकल कर आती है 7.07। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये आपके सामने आई नोट निकल कर आ चुका है 7.07 एम्पियर। पहले वाले पार्ट का आंसर आपने निकाल दिया। इसमें कुछ टफ था, बिल्कुल टफ नहीं था, पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था। दूसरे पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, दूसरे पार्ट में आपसे ये कहा गया है, माउस को हटा देता हूँ, माउस बहुत परेशान कर रहा है। दूसरे पार्ट में आपसे ये कहा गया है द मीन वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल। तो सेकेंड वाले पार्ट में आप जरा मुझे एक बात बताएं, मीन वैल्यू करंट की मीन वैल्यू आधे साइकिल के लिए क्या हुआ करती थी, आपको पता होगा आई मीन ओवर हाफ साइकिल टू आई नोट अपॉन पाई, टू आई नोट अपॉन पाई ये हुआ करती थी। 2/π को सॉल्व भी किया था, 0.637 निकल कर आया था और आई नोट एस है। इसको सॉल्व करोगे 2/π को तो 0.637 आई नोट ये था। अब यहाँ पर आपको आई नोट की वैल्यू दी हुई है, तो 0.637 आई नोट की वैल्यू कितनी है 7.07। मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। आई मीन कितना निकल कर आएगा, जरा थोड़ी मोटी मोटे तौर पर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 637 की मल्टीप्लाई करनी है 707 से, चलो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 7 49 का 9 कैरी 4, 7 3 7 21, 4 25 का 5 कैरी 2, 7 6 42, 42 और 2 44 ये हुआ, और दूसरे का 0 0 0, सॉरी ये 0 यहाँ जाएगा, फिर ट्रिपल मल्टीप्लाई चल रही है इसके अंदर। 7 7 49 वही 44 59, 5 4 4 यही आएगा ना, यही आएगा ना। ओ गलती कर ली, मल्टीप्लीकेशन खराब हो रही है। ये एक ही बार ही आएगा 0 0 0, अब ये डबल बार आएगा 9 5 4 4, 9 5, 9 5 13 3 कैरी 1, 5 9 10 0 कैरी 1, 5 ये रहा और 4 ये रहा। अब ये आ चुका 4 5 0 3 5 9। अब पॉइंट जो है 2 के बाद यहाँ है, 3 के बाद यहाँ, तो 5 के बाद लगेगा।
एक दो तीन चार पाँच, तो ये आ जाएगा 4.5 एम्पियर। तो ये करंट की मीन वैल्यू आ गई ओवर हाफ साइकिल। कोई टफ है? कुछ भी टफ नहीं है, कैलकुलेशन आप लोग करते रहना। एक तरफ को मैं लिख दी थी, इसको मिटा दिया। थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा क्या गया है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। कलर दूसरा ले लेते हैं, बहुत देर से यही कलर यूज़ कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में आपसे ये कहा गया है कि 1/300 सेकेंड जीरो, जब करंट जीरो हुई होगी तो उसके बाद 1/300 सेकेंड पर आपको करंट की वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है करंट की जो इंस्टेंटेनियस इक्वेशन होती है, I=I0 sin 2πf(t) ये होता है। अब आप किसी भी टाइम पर पूछ लो, वो टी में आप रख दोगे, किसी भी टाइम पर आप पूछ लो, पूछोगे किसी भी टाइम पर, बिल्कुल पूछेंगे। I=I0 की वैल्यू कितनी है, आपने सॉल्व किया, I0 की वैल्यू 7.07 है, 7.07 आपने ऐसे रख दिया, साइन ऐसे ही रहेगा। एंगल के अंदर क्या है, 2, पाई की वैल्यू 3.14, और एफ कितना आपके पास, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50, और टी कितना दिया हुआ है, जरा देखा, टी दे रखा आपको 1/300 सेकेंड। अगर आप पाई की वैल्यू को ना रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, इसको यहाँ मत रखो, इसको पाई ऐसे ही रहने दो, क्योंकि एंगल में निकल कर आ जाएगा। 0 से 0 कटा, 5×6 छः बार चला गया, 2 से 6 तीन बार चला गया, तो ये आ जाएगा 5 sin π/3। तो I=2 आ चुका है 7.07 sin π/3। I=7.07 sin π/3, मतलब sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये आपको वैल्यू याद करनी पड़ेंगी। √3 की वैल्यू कितनी होती है, रख दो 7.07। √3 की वैल्यू होती है 1.732, और 2 से आप डिवाइड कर रहे हो। बस ये छोटी सी कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर लो, जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद, वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इतना आप काम कर सकते हैं, 6.12 एम्पियर आ रही है, 6.12 एम्पियर। बस छोटी सी कैलकुलेशन कर लो, बोर्ड भर चुका है मेरा पूरा, तो ये आप छोटी सी कैलकुलेशन कर लो, छोटी सी कैलकुलेशन कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करो इसके साथ और 2 से डिवाइड कर दो। सीधा तरीका बता दूं, 2 से इसको काट दो, क्योंकि ये इवन नंबर है, जब इसको कट करोगे तो कोई एक नंबर बचेगा, उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो आपके सामने वैल्यू आएगी 6.12 एम्पियर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर 3 पार्ट थे और तीनों पार्ट आपने स्मूथ तरीके से सॉल्व कर दिए, जो जैसा पूछा गया बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया, कोई एक्स्ट्रा माइंड आपने नहीं चलाया, और यही अच्छी बात है। आप लोगों की समझदारी भी इसी में ही है कि जो पूछा जाए पॉइंट टू पॉइंट आप उसी का जवाब दें। आपसे पूछा था का IRMS बता दो, आपने बता दिया। आपसे पूछा कि मीन वैल्यू बताओ, आपको बताया करंट की जो मीन वैल्यू होती है कंप्लीट साइकिल में जीरो होती है, लेकिन उसने क्वेश्चन में ये पूछा कि आधे साइकिल के लिए बताओ, तो वो ये होती है 2I0/π। इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.637 I0, I0 की वैल्यू आपने पहले ही निकाल रखी है, पुट कर दी, कैलकुलेशन करी, आपके सामने आंसर आ गया। इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाई थी। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।